हेलो एवरीवन, आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम पॉलीमर्स है उसके थ्योरी पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे 15 नंबर पे है पॉलीमर्स, 15.1.1 में है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, 15.1.2 पे है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, 15.1.3 पे है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, 15.1.4 पे है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस। इसके बाद हमारा 15.1.5 है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, फिर 15.2.1 में है एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, 15.2.2 में है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, 15.2.3 में है को पॉलीमराइजेशन, 15.2.4 में है रबर, 15.4 में है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो आइए इनकी हम वन बाय वन जो है स्टडी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पॉलीमर्स। तो हमारे पॉलीमर्स जो है वो क्या कहलाते हैं, तो पॉलीमर्स जो है वो क्या कहलाते हैं, तो पॉलीमर्स जो है वो ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला है पॉली जिसका मतलब होता है मैनी और मर मतलब होता है यूनिट और पार्ट। तो पॉलीमर जो है वो हमारा मैक्रोमोलिक्यूल होता है जो बहुत सारे मोनोमर्स से कंसिस्ट होता है। ये मोनोमर्स आपके 100 to 1000 हो सकते हैं। तो 100 to 1000 मोनोमर जो है जब वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक रेगुलर फैशन में जॉइंट होते हैं तो हमारे पॉलीमर का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। तो पॉलीमर की डेफिनेशन जो है वो नोट कर लेना। पॉलीमर हैव वेरी हाई मॉलिक्यूलर मासेस, ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स इन अ रेगुलर फैशन। All polymers are macromolecules, but all macromolecules are not polymers. Example है chlorophyll and hemoglobin. तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जितने भी polymer हैं वो हमारे macromolecules होते हैं, लेकिन सारे macromolecules जो है वो polymer नहीं होते। उनके example है आपके chlorophyll हो गया, hemoglobin हो गया, जो हमारा घी है ये भी हमारा polymer नहीं होता। अब हम यहाँ पे एक example ले लेते हैं। तो ये हमारा मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारा एथीन और मोनोमर्स जो है वो यहां पे हमने N नंबर ले लिए। तो अब ये N जो है वो आपका 100 to 1000 या इससे भी ज्यादा हो सकता है, मतलब कम से कम 100 या इससे ऊपर होना चाहिए, कितना भी जा सकता है। अब ये आपस में क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो जरा ये कनेक्शन कैसे होता है। तो ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक मॉलिक्यूल है, फिर हमने दूसरा लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरा लिखा, फिर हमने तीसरा लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर और लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा चलता जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब क्या होता है, हमें पता है कि दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब दोनों कार्बन पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब क्या हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये ऐसा चलता जाएगा, राइट। तो ये कितने भी जोड़ सकते हैं, अगर मान लीजिए हमने 100 लिए तो ये 100 हो जाएंगे, 1000 लिए तो ये 1000 हो जाएंगे। तो बस यहां पर आप लिख लो एन, राइट। तो ये एथीन था, अब यहां पर एक चीज और जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, पॉली एथीन। तो ये हमारा पॉलीएथीन बन गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, CH2 ये सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे ऐसे कनेक्शन हो सकता है और N लिख दिया, तो ये हो गया हमारा पॉलीथीन। इसको हम बोलते हैं इथाइलीन भी बोलते हैं कॉमन नेम, इथाइलीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली इथाइलीन। बस आपको पॉली जोड़ना है तो पॉली इथाइलीन हो जाएगा, राइट। तो समझ गए कि जब मोनोमर्स जो है वो रेगुलर फैशन में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट होती हैं
तो हमारे पॉलीमर का फॉर्मेशन, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 15.1.1 की हेडिंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं, पहला है नेचुरल पॉलीमर, सेकंड है सिंथेटिक पॉलीमर, थर्ड है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो सबसे पहले हम नेचुरल पॉलीमर, जिसको कि हम बायो पॉलीमर कहते हैं, इसकी बात करेंगे। तो नेचुरल पॉलीमर एंड बायो पॉलीमर जो होते हैं वो नेचर में हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स में मिलते हैं, इस कारण इनको हम नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड नेचुरल रबर। अब चूंकि ये हमारे पॉलीमर है तो निश्चित तौर पे इनका मोनोमर भी होगा। तो जो हमारा स्टार्च है इसका मोनोमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज का मोनोमर होता है बीटा डी ग्लूकोज, प्रोटीन का होता है अल्फा अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड का होता है न्यूक्लियोटाइड और नेचुरल रबर का होता है आइसोप्रीन। फिर हम सिंथेटिक पॉलीमर की बात करते हैं, इसी को हम मैनमेड पॉलीमर कहते हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर जो है वो इंडस्ट्रीज में केमिकल की हेल्प के थ्रू बनाते हैं, इस कारण इनको हम सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं, ये हमें नेचर में नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन 6, नायलॉन 6x एक्सेट्रा। तो जो हमारा पॉलीथीन है इसका मोनोमर होता है एथीन, जो हमारा पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड तो इसका मोनोमर क्या होगा विनाइल क्लोराइड, नायलॉन 6 का मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम और नायलॉन 6x का मोनोमर होता है, इसके दो मोनोमर होते हैं। तो पहला मोनोमर होता है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और सेकेंड होता है एडिपिन। नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स को तो हम डिफाइन कर चुके हैं, अब हमारे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं, तो ये हमारे सेलुलोज डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा सेल्यूलोज नाइट्रेट है, जो हमारा सेल्यूलोज एसीटेट है, जो हमारा सेल्यूलोज एसीटेट है ये हमारा रेयॉन कहलाता है। तो ये हमारे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो गए। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन से होते हैं, ये हमारे सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। इसके बाद जो हमारी 15.1.2 की हेडिंग है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर को हम क्लासिफाई करते हैं लीनियर पॉलीमर्स में, ब्रांच चेन पॉलीमर्स में एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जिसको कि हम नेटवर्क पॉलीमर बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल पॉलीमर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री वेज, पहला है लीनियर पॉलीमर, सेकेंड है ब्रांच चेन पॉलीमर, थर्ड है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इसी को हम थ्री डायमेंशनल पॉलीमर बोलते हैं 3D पॉलीमर, और यही हमारा नेटवर्क पॉलीमर भी कहलाता है। तो अब आइए इनकी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो लीनियर पॉलीमर का मतलब होता है कि जब आपका मोनोमर जो है वो लीनियर वे में अरेंज हो, ब्रांच चेन पॉलीमर का मतलब होता है कि जब आपका मोनोमर जो है वो लीनियर वे एज वेल एज ब्रांच वे में अरेंज हो, और आपका थ्री डायमेंशनल पॉलीमर जिसको कि हम क्रॉस लिंक पॉलीमर नेटवर्क पॉलीमर बोलते हैं, इसमें मोनोमर यूनिट जो है वो थ्री डायमेंशनल वे में अरेंज होती है। तो अब इनके हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल जो है वो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनती कैसे है, तो देखो जरा ये हमारा एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एन नंबर ऑफ मोनोमर ले लिया अपन ने, फिर हमने क्या किया इसको हीट किया 77 to 300 डिग्री सेल्सियस पर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी करना है अपने को, ठीक है। यहां पे जीगलर नट्टा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो जीगलर नट्टा कैटलिस्ट से क्या होगा, ये CH2 ये हाफ हाफ बॉन्ड बना लिए और यहां पे हमने एन ले लिया, तो ये हमारा लीनियर पॉलीमर जो है वो बन जाएगा। अब जिगलर नट्टा कैटलिस्ट जो है वो क्या कहलाता है, तो देखो जरा ये होता है मिक्सचर ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, तो मतलब एल्यूमिनियम ये है और इसे 3 इथाइल ग्रुप जो है वो जोड़ दो, तो C2H5 तो ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड, ये हमारा जीगलर नट्टा कैटालिस्ट कहलाता है। तो यहां पे ये जो एथीन है ये लीनियर वे में अरेंज होती है,
चेन पॉलीमर ये हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन कहलाती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब यहां पे ये जो हमारा एथीन है वो लीनियर बे के साथ साथ जो है वो ब्रांच बे में भी अरेंज होता है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो हमारा मोनोमर हो गया, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया, हीट तो सेम टेम्परेचर मतलब 77 टू 300 डिग्री सेल्सियस पे, यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है 1000 टू 2000 atm और ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यूज करते हैं। तो क्या होता है, ये जो हमारा मोनोमर है वो लीनियर वे एज वेल एज ब्रांच्ड वे में क्या होता है, अरेंज होता है, तो हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो बनता है। अब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की एग्जांपल ले लो, तो इसकी एग्जांपल जो है वो बेकेलाइट और मेलेमाइन। तो 3D भी हम समझ लेते हैं, तो इसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं, ये हमने बॉक्स बना लिया। अब यहां पे जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वो थ्री डायमेंशनल वे में अरेंज होगी, मतलब ये हमारा लीनियर वे में अरेंज होगा, ठीक है, ये हमारा ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये हमारी वाई डायरेक्शन में भी यूनिट अरेंज होगी और ये हमारी जेड डायरेक्शन में भी यूनिट अरेंज होगी। ये थ्री डायमेंशनल वे हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड, ठीक है। तो मोनोमर यूनिट जो है वो एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में जो है वो ग्रो करती है। फिर हम डिस्कस करेंगे हेडिंग नंबर 15.1.3 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन हम पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं एडिशन पॉलीमर्स में एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स में। तो हमारे एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे और उनमें क्या डिफरेंस होता है इसकी भी बात करेंगे। तो आइए इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। जो हमारा एडिशन पॉलीमर होता है तो जो हमारा एडिशन पॉलीमर होता है उसमें मोनोमर कैसा होता है, अनसैचुरेटेड होता है। तो जब हमारा मोनोमर अनसैचुरेटेड होता है तो वहां पे एडिशन पॉलीमर का निर्माण होता है, एडिशन पॉलीमर जो है बनता है और जो हमारा कंडेंसेशन है तो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है कि जो हमारा मोनोमर होता है वो कैसा होता है, बाईफंक्शनल ग्रुप होता है। मतलब दोनों फंक्शन ग्रुप या तो एक ही मॉलिक्यूल में होंगे, एक ही मोनोमर में होंगे, या फिर दो फंक्शन ग्रुप डिफरेंट मोनोमर में होंगे। अब देखो जरा एडिशन का देख लेते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीथीन ये हमारे दोनों कैसे हैं, अनसैचुरेटेड मोनोमर है। तो जो हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड तो इसका मोनोमर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CL। तो ये हमारा विनाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो जब ये नंबर्स क्या होते हैं एक सीरीज में जो है वो अरेंज होते हैं तो क्या होता है पॉलीमर बनेगा। तो CH2 CH ये CL ये और ये। तो जब ये यूनिट जो है बहुत सारी यूनिट जो है जुड़ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू और एक रिपीटेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। क्योंकि इसकी मोनोमर यूनिट विनाइल क्लोराइड है तो ये हो जाएगा हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड और इधर एंड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड मोनोमर क्या होता है, एडिशन पॉलीमर बनाता है। तो ये हमारा एडिशन पॉलीमर हो गया, तो ये हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। अब जो पॉलीथीन है इसका मोनोमर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है, ठीक है, ये एथीन है। जब ये पॉलीमराइज होगा तो क्या बनेगा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आधा बॉन्ड इधर आधा बॉन्ड इधर, तो ये N कर लो, तो ये पॉलीथीन हो गया, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड मोनोमर जो है वही हमारे एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो
अनसैचुरेटेड मोनोमर क्या बनाता है, एडिशन पॉलीमर बनाता है। फिर इसके बाद जो हमारा टेरिलीन है ये एक पॉलीईस्टर है। पॉलीईस्टर, ईस्टर का मतलब होता है कि एसिड और एल्कोहल से बना पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीईस्टर मतलब ये जो टेरिलीन होगा इसमें एक मोनोमर एल्कोहलिक होगा और दूसरा जो है वो एसिड होगा। फिर इनके पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, पॉलीईस्टर बनेगा। तो यहाँ पे एल्कोहल जो है वो CH2 ये OH और ये OH, तो ये हमारा ग्लाइकॉल हो गया, ठीक है, ये N मॉलिक्यूल ले लो। और एसिड जो है वो टेरेथ्रिक एसिड लेना है, ये COOH और ये COOH। तो अब क्या होगा, ये वाटर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो वाटर निकल गया और ये जो है वो जुड़ जाएगा। तो देखो भाई आगे भी यहाँ भी मोनोमर होगा, तो यहाँ से एल्कोहल से एच जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाएगा, तो इसका जो पॉलीमर बनेगा वो ऐसा बनेगा, यहाँ पे O, ये फिर CH2, फिर CH2, फिर ये CO, फिर ये बेंजीन की रिंग बना दो और ये CO। तो बस ये जो है N, ये हमारा टेरिलीन कहलाता है, ठीक है। तो ये बाईफंक्शनल ग्रुप मोनोमर हो गए, एक एल्कोहलिक है दूसरा कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। तो ये हमारा टेरिलीन जो है वो पॉलीस्टर कहलाता है। फिर बेकेलाइट जो है, तो बेकेलाइट जो है वो हमारा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो ये तो हमारा फिनॉल हो गया और ये फॉर्मेल्डिहाइड हुआ HC(OH), ठीक है। जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये होता है, ये OH और ये यहां से H निकलेगा, तो यहां पे कनेक्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे ये H कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा CH2OH, ठीक है। C जो है यहां पे कनेक्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पे यहां से H निकला तो यहां पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन पे ऐसा होगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे तो हमने कर दिया, अब पैरा पोजीशन पे कर दो, ये OH और ये CH2, ठीक। तो अब ये जो दो मोनोमर बने हुए हैं ऑर्थो पैरा वाले, अब ये आपस में क्या होते हैं, ये पॉलीमराइज होते हैं और पॉलीमराइज होकर बैकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब देखो जरा बैकेलाइट कैसे बनता है। अब चूंकि ये हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो यहां से क्या होता है, कंडेंसेशन जब मोनोमर पॉलीमराइज होते हैं तो कुछ निकलता है, कोई मॉलिक्यूल निकलता है, जैसे H2O निकलता है। तो देखो यहां पे ये OH और यहां से ये कनेक्ट होगा तो यहां से H निकलेगा, तो वाटर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बैकेलाइट ऐसे बनता है, ये OH, ये CH2, ये OH, ये CH2, ये OH, ठीक है, ऐसा करते हैं। फिर CH2, OH, CH2, OH, CH2, CH2, OH। तो बस ये जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, ये बैकेलाइट बन जाएगा, ये हमारा बैकेलाइट है, जो कि थ्री डायमेंशनल पॉलीमर होता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये दोनों स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में ग्रो करती है, तीनों डायरेक्शन में ग्रो करती है, इस कारण ये हमारा थ्री डायमेंशनल पॉलीमर कहलाता है। जो हमारे एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है उसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो देखते हैं। तो जो हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन है और जो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहला डिफरेंस है,
कि जो एडिशन पॉलीमर होते हैं उनकी जो मोनोमर होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोफंक्शनल मोनोमर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मोनोफंक्शनल मोनोमर हम यूज करते हैं, मतलब ऐसा मोनोमर जिसकी फंक्शनैलिटी जो है वो वन हो, मतलब कि बॉन्डिंग साइट जो है वो वन हो। और यहाँ पे जो है हम बाई फंक्शनल मोनोमर यूज करते हैं, तो बाई फंक्शनल मोनोमर जो है वो यूज किया जाता है। फिर दूसरा देखना है, अर्ली स्टेज में जो हमारे एडिशन पॉलीमर होते थे उसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमर बोलते थे, तो ये हमारा चेन ग्रोथ पॉलीमर कहलाता है। और अर्ली स्टेज में जो है वो हम कंडेंसेशन पॉलीमर को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर बोलते थे, तो ये हमारा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। फिर थर्ड डिफरेंस की बात करें, जब हम एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब मोनोमर यूनिट जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं होता, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं निकलता, ठीक है, तो नो मॉलिक्यूल लाइक वाटर NH3 विल रिमूव, ठीक है। और यहां पे कंडेंसेशन पॉलीमर में मतलब मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है इधर H2O और अमोनिया, दिस इस टाइप के मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, तो एडिशन पॉलीमर जो है, जो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमारा एथीन है, पॉलीमराइज होगा तो CH2 और ये तो यहाँ पे ये हमारा पॉलीएथीन हो गया, ठीक है। पीवीसी की बात करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, ये विनाइल क्लोराइड है, पॉलीमराइज होके पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। तो ये हमारे कैसे होगा, ये हमारे एडिशन पॉलीमर होगा, यहाँ पे किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये चेन जो है वो ग्रोथ होगी इसकी, ठीक है। और ये जो है मोनोफंक्शनल मोनोमर यहाँ पे यूज किया गया, यहाँ पे बाईफंक्शनल मोनोमर यूज किए जाते हैं। तो एग्जांपल देख लो, जैसे हमारा टेरिलीन नाइलॉन 6,6, ठीक है, नाइलॉन 6, राइट, तो ये हमारे आपके कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो टेरिलीन का एग्जांपल देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक मोनोमर जो है वो इथिलीन ग्लाइकोल होता है, ये OH और ये OH, और दूसरा होता है टेरेथेलिक एसिड, ये बेंजीन की लिंक, यहाँ पे COOH और COOH, तो ये हमारा टेरेथेलिक एसिड होता है, पॉलीमराइज होंगे तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH जाता है, तो वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये पार्ट फट जाएगा। तो OH जाना है कहां से, एसिड वाले फंक्शन ग्रुप से, और अल्कोहल से H जाएगा, राइट, तो ये O, ये CH2, ये CH2, O, CO, बेंजीन की रिंग और CO, तो ये हो गया N, तो इथिलीन ग्लाइकोल N ले लो और N मॉलिक्यूल टेरेथेलिक एसिड के ले लो, ठीक है, तो N मॉलिक्यूल इथिलीन ग्लाइकोल के ले लीजिए और N मॉलिक्यूल हमने टेरेथेलिक एसिड के ले लिए, से हमारा ये बन गया टेरिलीन। तो यहाँ पे वाटर जो है वो रिमूव हो गया। यहाँ पे देखो ये बाईफंक्शनल था, हमारा ये भी बाईफंक्शनल था, तो बाईफंक्शनल मोनोमर जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर कर बनाते हैं। इसके बाद हमारी हेडिंग नंबर 15.1.4 है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस हम पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं इलास्टोमर्स में, फाइबर्स में, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में एंड थर्मोसेटिक पॉलीमर्स में। तो आइए इनकी वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो हमारे इलास्टोमर्स वो कहलाते हैं जहां पे मोनोमर यूनिट जो है ब्यूटा-1,3-डाइईन होती है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH,
डबल बॉन्ड CH2, या तो हमारी ये होती है या फिर इसका कोई डेरिवेटिव्स होता है, मतलब कि मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHC, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दो और ये CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड, या तो ये होती है। फाइबर्स में जो हमारे ये बाईफंक्शनल मोनोमर के थ्रू होता है, तो जहां पे मोनोमर जो है वो बाईफंक्शनल होते हैं वहां पे फाइबर बनता है। थर्मोप्लास्टिक में जो यूनिट होती है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब एल्कीन होती है या कोई डेरिवेटिव्स होता है इसका, ठीक है, कोई ग्रुप लगा दो। और जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वहां पे जो यूनिट्स होती हैं वो थ्री डायमेंशनल वे में जो है वो अरेंज होती हैं। तो जो हमारे इलास्टोमर्स हैं उसके एग्जांपल देख लो, तो हमारा इलास्टोमर्स, ठीक है, तो ब्यूना एन, ठीक है, ब्यूना एस, जो हमारा नियोप्रीन है ये हमारी सिंथेटिक रबर कहलाती है, और आइसोप्रीन ये हमारी नेचुरल रबर कहलाती है, ये हमारे सब इलास्टोमर्स कहलाते हैं जो हमारे फाइबर्स होते हैं। उसमें टेरिलीन, जो हमारा नाइलॉन 6 होता है, जो हमारा नाइलॉन 6, ठीक है, ये हमारा फाइबर्स कहलाते हैं। और जो हमारा थर्मोप्लास्टिक जो होता है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स में हमारे आते हैं क्या नाम, पॉलीथीन, पीवीसी, ठीक है, और आता है हमारा टेफ्लॉन और PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, राइट, तो ये हमारे थर्मोप्लास्टिक्स में आते हैं। और फोर्थ है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में इसमें बैकेलाइट एंड मेलेमाइन आता है, तो बैकेलाइट और मेलेमाइन ये हमारे थर्मो सेटिंग प्लास्टिक होते हैं, जिसे थ्री डायमेंशनल प्लास्टिक बोलते हैं, और इसी को हम नेटवर्क पॉलीमर बोलते हैं। इसके बाद हमारे हेडिंग 15.2.1 है एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में सबसे पहले हम उसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखेंगे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो कैसे पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। फिर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स की प्रिपरेशन देखेंगे, इसमें है लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, टेफ्लॉन एंड एक्रिलोनाइट्राइल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पान बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑरलॉन, और इसी को हम बोलते हैं एक्रिलेन। तो एथिन का पॉलीमराइजेशन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप कहलाता है, सेकेंड हमारा चेन प्रोपगेशन स्टेप कहलाता है, और थर्ड हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा क्या होता है, तो पहला स्टेप है हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप। तो चेन इनिशिएशन स्टेप्स, इस स्टेप में क्या होता है कि हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और फ्री रेडिकल जो है यहाँ पे परोक्साइड के थ्रू बनाया जाता है। तो हमारा परोक्साइड जो है वो क्या कहलाता है, तो परोक्साइड का मतलब होता है ओ लिंकेज, ठीक है, इसको हम परोक्सी लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि बेंजोइल परोक्साइड, तो बेंजोइल मतलब कि बेंजीन की रिंग है और CO ग्रुप लगा है, ये बेंजोइल होता है, और परोक्साइड मतलब O लिंकेज, तो परोक्सी मतलब O और O, इससे हमें क्या करना, बेंजोइल जोड़ देना, मतलब CO और ये बेंजीन की रिंग जो है वो जोड़ दी।
यहाँ बेंजीन के साथ CO लिखना भूल गए, सॉरी, तो ये हमारा बेंजोइक परोक्साइड हो गया। अब हमें लिखना है टर्शियरी ब्यूटाइल परोक्साइड, तो टर्शियरी ब्यूटाइल हमारा क्या कहलाता है कि ये C और ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये टर्शियरी ब्यूटाइल कहलाता है। और प्रॉक्सी का मतलब होता है O और O, तो टर्शियरी ब्यूटाइल दोनों तरफ जोड़ दो, ये C, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये C, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, तो ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल परोक्साइड हो गया। हाइड्रोजन परोक्साइड, तो देखो जरा O और O, इससे हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये हमारा हाइड्रोजन परोक्साइड हो गया, राइट। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में जो हमारे परोक्साइड होते हैं वो फ्री रेडिकल बनाते हैं, राइट। तो हमने एग्जांपल ले लेना है बेंजोइक परोक्साइड का, कोई भी परोक्साइड ले लो, जो भी आपकी मर्जी हो। तो बेंजोइक परोक्साइड जो है वो फ्री रेडिकल बनाता है, तो कैसे बनाएगा, तो देखो जरा ये CO, ये O और O लिंकेज है, और ये CO और ये, तो ये हमारा बेंजोइक परोक्साइड हो गया। सनलाइट में क्या होता है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन के पास चला जाता है, तो ये हमारा ऐसा बनेगा, ये COO, ये रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। तो ये दो बनेंगे, और फिर क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस कार्बन के पास जाएंगे जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ये CO2 और बन जाएगा ये फिनाइल फ्री रेडिकल, ये फिनाइल फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। ये इसको बोलते हैं C6H5 रेडिकल, क्लियर है। अब ये हमारा फिनाइल फ्री रेडिकल बना है, अब वो क्या करेगा, एथीन मोनोमर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये हमारा C6H5 फिनाइल रेडिकल है, ये क्या करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 से रिएक्ट करेगा, क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा C6H5 CH2 और ये CH2, तो हमारा ये रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। तो फिनाइल इथाइलीन रेडिकल हो गया, तो ये हमारा रेडिकल जो है वो बन जाता है। अब सेकेंड स्टेप आता है हमारा चेन प्रोपगेशन स्टेप, तो चेन प्रोपगेशन स्टेप में ये वाली चेन जो है वो क्या होती है, प्रोपगेट होती है, बढ़ती है, राइट। तो देखो सर, सेकेंड है हमारी चेन प्रोपगेशन स्टेप, तो इस स्टेप में होता क्या है, तो ये हमारा रेडिकल बना था C6H5 CH2, ये रेडिकल बना था, ये फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस मोनोमर से रिएक्ट करेगा, क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन अंदर एक इलेक्ट्रॉन अंदर, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो C6H5 फिर CH2, ये CH2 है ये, और ये और जोड़ दो CH2 और ये CH2 और ये रेडिकल बन गया, राइट। तो अब हमें क्या करना है, C6H5 CH2 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 CH2, ये रेडिकल है और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे मोनोमर हैं, तो ये N ले लो और हमारी ये N ले लो, तो ये ऐसा बनेगा C6H5 CH2 CH2, ये N CH2 CH2 रेडिकल, राइट। तो ये हमारा हो गया चेन प्रोपगेशन स्टेप, अब हमें करना है चेन टर्मिनेशन स्टेप, तो हमारा थर्ड है चेन टर्मिनेशन स्टेप, तो दो फ्री रेडिकल जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब एक ये फ्री रेडिकल है और दूसरा भी इसी का मान लो फ्री रेडिकल, तो जैसे मैंने कहा कि C6H5 CH2 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 CH2,
ये फ्री रेडिकल है, और एक और ले लिया हमने CH2, 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 एक फ्री रेडिकल ये ले लिया, या कोई दूसरा ले लो, ये ले लो, ये वाला ले लो, जब अब इनको हमें जोड़ देना है, तो C6H5CH2CH2CH2CH2 ये रेडिकल था, ठीक है, और दूसरा था ये वाला CH2CH2 और C6H5। अब दोनों को क्या कर दो, जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब क्या करो, इन C6H5 को क्या कर दो, रिमूव करा दो, तो ये बन जाएगा CH2CH2CH2CH2CH2। ये छह बार लिख लिया हमने, और ये इधर पे हाफ बॉन्ड बना लो, और ये हैंग कर दो, ठीक है। और दोनों रेडिकल C6H5 ये और C6H5 ये दोनों रेडिकल फिर से हमारे बन गए। तो ऐसे हमारे एथीन का पॉलीमराइजेशन हो जाता है थ्रू फ्री रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा है एथीन, यहां पे हमें ये नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट एन लेनी है, तो एन जो है वो आपका 100 to 1000 या इससे भी ज्यादा हो सकता है। जब 100 to 1000 यूनिट जो है ये कनेक्ट होंगी तो क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा, तो CH2 CH2 ये और ये कनेक्ट कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, पॉलीमर बन गया, मतलब ये हमारा पॉलीथीन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एथीन हमारा क्या है, मोनोमर है, और ये हमारा है पॉलीमर। तो मोनोमर से पॉलीमर जो है बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहलाती है, जो हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड है जिसको कि हम बोलते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये होता है हमारा विनाइल क्लोराइड। ये पॉलीमराइज होता है तो ये बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, आधा बॉन्ड ये, आधा बॉन्ड ये, और ये N, ये हो गया PVC। सेकेंड है हमारा टेफ्लॉन, इसका मोनोमर होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोएथीन, तो ये होता है टेट्राफ्लोरोएथीन, इसे हम लिख सकते हैं TFE, टेट्राफ्लोरोएथीन, ठीक है। ये पॉलीमराइज होता है तो बनता है CF2, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, हाफ हाफ बॉन्ड ये लगा दो, और ये N, ठीक है। तो ये N कर दो इधर पे, और ये N कर दो इधर पे, है ना, तो ये बन गया टेफ्लॉन। तो इसका नाम था टेट्राफ्लोरोएथीन, तो ये बन जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, जिसको कि हम PTFE लिख सकते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, है ना। आज हम पॉलीएक्रिलेट नाइट्राइल, जिसको कि हम ऑर्लन बोलते हैं, जिसको हम एक्रिलेन बोलते हैं, इस पॉलीमर की बात करेंगे। तो देखो जरा, जो हमारा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है वो बनता है एक्रिलोनाइट्राइल से, तो एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर हमारा कहलाता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये जो हमारा मोनोमर है इसको हम N नंबर में लेंगे, तो ये हमारा एक्रिलोनाइट्राइल कहलाता है। इसी को हम विनाइल साइनाइड भी बोलते हैं, तो विनाइल साइनाइड कहलाता है। परोक्साइड की प्रेजेंस में ये होता है पॉलीमराइज, तो पॉलीमराइज होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो बस ये यूनिट जो है वो कनेक्ट होती जाती है, तो ये पॉलीमर बन जाएगा। तो CH2 ये सिंगल बॉन्ड, CH ये CL, हाफ बॉन्ड ये, हाफ बॉन्ड ये, और एंड जो है इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर से लगा देते हैं, तो ये जो पॉलीमर बना इसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इसको हम विनाइल साइनाइड बोलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पॉली विनाइल साइनाइड,
इसी हम बोलते हैं ओरलॉन और इसे हम बोलते हैं एक्रिलिन। क्योंकि एक्रिलिन हमारा फाइबर होता है तो इसका यूज़ हम ब्लैंकेट बनाने में करते हैं, कारपेट बनाने में करते हैं, क्लॉथ्स बनाने में करते हैं। तो ये हमारा एक्रिलोनाइट्राइल पॉलीमर हो गया। फिर हमारी हेडिंग है 15.2.2 कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको कि हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। तो इसमें हम पॉलीअमाइड का फॉर्मेशन देखेंगे। तो पॉलीअमाइड में हमारे नाइलॉन 6 आते हैं, नाइलॉन 6 आते हैं, तो नाइलॉन 6 को हम परलॉन एल भी बोलते हैं। तो अब हम इन दोनों की प्रिपरेशन देखेंगे। तो देखो जरा, जो हमारा नाइलॉन 6 है, इसका मोनोमर जो है वो कैप्रोलेक्टम होता है, तो CH2O5NHCO, ये हमारा कैप्रोलेक्टम कहलाता है। तो जब ये कैप्रोलेक्टम हमारा पॉलीमराइज होता है तो ये ऐसी यूनिट बनेगी CH2O5NHCO। तो ये जो यूनिट है ये हमारी नाइलॉन 6 कहलाती है। फिर दूसरा है हमारा नाइलॉन 6-6। तो अब चूंकि ये हमारा एक पॉलीमर होता है तो यहाँ पे 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है और 6 कार्बन का अमाइन है, इस कारण इसका नाम नाइलॉन 6-6 पड़ा। तो देखो जरा, 6 कार्बन का अमाइन देखो, NH2, CH2, 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 CH2 और NH2। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन का डाई अमाइन है, तो ये हमारा कहलाता है हेक्सामिथाइलीन डायमाइन, ठीक है। और 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है तो COOH CH2 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 और COOH, तो ये हमारा एडिपिक एसिड कहलाता है। ये दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये दो मोनोमर आपस में क्या करते हैं, ज्वाइंट होते हैं। तो N मोल ये ले लो, N मोल ये ले लो, ज्वाइंट हो रहे हैं। तो होता क्या है कि अमाइन से जाएगा हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक से OH, तो वाटर निकलेगा। यहां से भी हाइड्रोजन, यहां से भी OH, राइट, तो वाटर निकलेगा। तो अब देखो यहां पे बचेगा NH, फिर CH2, कितने हैं 6 हैं, तो हमने 6 कर लिया, फिर NH है ना, और ये OH निकल गया, मतलब CO बचेगा, फिर CH2 कितने हैं 4 हैं, फिर CO क्योंकि OH निकल जाएगा, और ये, तो ये N, तो ये बन जाता है हमारा नाइलॉन 6-6। और ये हमारी CONH बॉन्डिंग, ये जो बॉन्डिंग है ये हमारी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहलाती है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्डिंग जो है वो NHCO बॉन्डिंग जो है, इसको हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्डिंग कहते हैं। ये हमारा अमाइड भी कहलाता है, मतलब C डबल बॉन्ड ONH, ये हमारा अमाइड भी कहलाता है, ठीक है। तो नाइलॉन हमारे कैसा है, पॉलीअमाइड है, जो कि 6 कार्बन का डायमाइन और 6 कार्बन का डाई एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम 6-6 यूज करते हैं, 6-6 मतलब एक 6 कार्बन के डायमाइन को और दूसरा 6 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को बताता है। फिर इसके बाद 15.2.2 में पॉलीस्टर पॉलीमर आएगा। पॉलीस्टर के एग्जांपल है टेरिलिन, जिसको कि हम डेक्रॉन बोलते हैं। सेकंड है एल्काइट्रिजन, जिसको कि हम ग्लिप्टर बोलते हैं। तो टेरिलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है और ग्लिप्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब हम वो देखें। फिर हमारा थर्ड है डेक्रॉन, इसी को हम टेरिलिन बोलते हैं। ये एक हमारा पॉलीस्टर होता है। तो पॉलीस्टर का मतलब होता है, पॉली मतलब मैनी और ईस्टर मतलब ईस्टर। तो ईस्टर बनता है हमारा, ये जो ईस्टर है बनता है एसिड एंड अल्कोहल से। तो यहां पे डाई अल्कोहल लेना है और डाई एसिड लेना है, ठीक है। तो देखो सर, इसका एक मोनोमर तो होता है CH2, ये डाई अल्कोहल हो गया, तो इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, एक मोनोमर तो हमारा ये हो गया, और दूसरा मोनोमर जो है एसिड लेना है, तो ये हमारा टेरेप्थेलिक एसिड होता है,
ये डाई एसिड होता है। ठीक है, जब ये दोनों क्या होते हैं, पॉलीमराइज होते हैं, तो क्या बनता है, टेरिलीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे एल्कोहल से एच और इधर से OH, OH और इधर से H, तो क्या बचेगा, ये O, ये CH2, ये CH2, फिर से O, फिर ये CO कनेक्ट कर दो, फिर बेनजीन की रिंग, ये CO, ये हाफ बॉन्ड और ये N, ठीक है, N, तो ये हो गया हमारा टेरिलीन, इसी को डेक्रॉन बोलते हैं। और ये जो हमारा COO बॉन्डिंग है, ये हमारा एस्टर बॉन्डिंग है। आज हम डिप्टल, जिसको कि हम एल्काइड्रेशन बोलते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक हमारा पॉलिस्टर पॉलीमर है, और आपको पता है कि पॉलिस्टर किससे बना होता है, एल्कोहल एंड कार्बोक्जिलिक एसिड से। अब एल्कोहल यहाँ पे हमारा बाई फंक्शन होगा और कार्बोक्जिलिक एसिड भी हमारा बाई फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो देखो जरा, यहाँ पे जो हमारा एल्कोहल होता है वो हमारा होता है ग्लाइकोल, CH2 CH2 OH, और ये OH, तो ये हमारा हो गया ग्लाइकोल। तो एक मोनोमर तो हमारा इसका ये होता है ग्लाइकोल, और सेकेंड मोनोमर होता है थैलिक एसिड। तो ये हमने बेंजीन की रिंग बनाई और यहाँ पे COOH ग्रुप लगाया और यहाँ पे COOH ग्रुप लगाया, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे अगर दो कार्बोक्जिलिक ग्रुप जुड़े हों तो उसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। तो ये हमारा थैलिक एसिड हो गया। तो ये हमें N नंबर में लेना है और ये भी हमें N नंबर में लेना है। तो जब आप इनको हीट करोगे तो यहाँ पे NH2O निकलेगा। अब H2O कहाँ से जाएगा, तो देखो जरा, एल्कोहल से एच जाएगा, कार्बोक्जिलिक एसिड से OH जाएगा। तो कार्बोक्जिलिक एसिड से OH निकाल दो, एल्कोहल से एच निकाल दो, तो जो बचा वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे O बॉन्ड, ये CH2, ये CH2, यहाँ पे O, अब ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ C डबल बॉन्ड O के साथ, है ना, और ये बेंजीन रिंग से आप इसको कनेक्ट कर दो। तो इसको हम बोलते हैं ग्लिप्टल, जिसको कि हम एल्काइड्रेशन बोलते हैं, जो कि हमारा एक पॉलीस्टर होता है। फिर हमारे 15.2.2 में थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आएंगे। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं बैकलाइट एंड मेलेमाइन। तो अब हम बैकलाइट एंड मेलेमाइन का फॉर्मेशन देखेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम बैकलाइट को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा बैकलाइट जो है वो क्या कहलाता है। तो बैकलाइट हमारा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, जो कि फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। तो देखो जरा, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये हमारी बेंजीन की रिंग है, और अगर इस रिंग पे हमने OH ग्रुप लगा दिया तो ये तो हमारा बन जाएगा फिनॉल। फॉर्मेल्डिहाइड क्या कहलाता है, तो एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमारा कहलाता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से हमारे बैकलाइट का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है, जो कि थ्री डायमेंशनल पॉलीमर होता है। तो अब ये फॉर्मेशन होता कैसे है, तो अब ये रिएक्शन कैसे होगी, इसका हम आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा याद दिला देते हैं। तो देखो सर, ये बेंजीन की रिंग है और ये O और ये H, ऑक्सीजन पे यहाँ पे दो लोन पेयर हैं। तो ये एक लोन पेयर जैसी इस पे गिरेगी, ठीक है, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो हम डबल बॉन्ड बना देते हैं, ये O और ये H, अब एक लोन पेयर बची, डबल बॉन्ड बन गया। अब ये कार्बन जो है यहाँ का, अब इसने कितने बॉन्ड बना लिए, पांच बॉन्ड बना लिए, दो दो चार और एक पांच, तो पांच बॉन्ड तो स्टेबल होंगे नहीं। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ गिरेगा, यहाँ पे। तो जैसे ये लोन पेयर यहाँ गिरेगी, ये डबल बॉन्ड गिर जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस पे हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या होगा, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये लोन पेयर क्या करेगी, इस पे अटैक करेगी, ठीक है, इस पे अटैक करेगी,
तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे गिर जाएगा, ऑक्सीजन पे दो लोन पर थी एक और आ गई, ठीक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब इसने क्या हो गया, ये बॉन्ड बना दिया, अब ये बॉन्ड जो है वो हमारा इसके साथ बन गया, ठीक, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया, ठीक, तो नेगेटिव साइन यहाँ का खत्म हो गया। अब होगा क्या कि चूंकि ये तो हमारी रिंग अनस्टेबल हो गई, तो यहाँ पे जो इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएंगे, तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव जो है वो इधर पे आएगा, तो बॉन्ड बन जाएगा, तो ये OH हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे नेगेटिव है तो ये क्या होगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे लोन पेयर के रूप में आ जाएगा, तो फिनॉल पे क्या हो गया, ये CH2OH ग्रुप जो है वो अटैच हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फिनॉल है, इस पे CH2OH ग्रुप जो है वो अटैच हो गया, ये CH2OH है। अब चूंकि ये हमारा फिनॉल जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, अब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि ये तो हमारी लोन पेयर गिरी थी यहाँ पे, ये जैसी बॉन्ड बना था यहाँ पे, तो लोन पेयर गिरी थी यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना, तो ये डबल बॉन्ड ये बनाएंगे, तो ये लोन पेयर गिरेगी यहाँ पे, तो पैरा पोजीशन पे बॉन्ड बनेगा। तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है OH, तो देखो हमारे कितने प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है, एक तो हमारा ये पॉसिबल है, दूसरा हमारा ये OH है और ये CH2OH है, ये पैरा पोजीशन वाला है, तीसरा हमारा पॉसिबल है ये OH, ये ऑर्थो पे CH2OH लगा है और पैरा पे भी लगा है CH2OH, एक और पॉसिबल है ये OH है, ये CH2OH इधर लगा दो, ये CH2OH इधर लगा दो और ये CH2OH इधर लगा दो, ठीक ना। तो देखो जरा यहां पे एक फॉर्मेल्डिहाइड यूज हुआ, यहाँ पे भी एक फॉर्मेल्डिहाइड यूज हुआ, यहाँ पे दो फॉर्मेल्डिहाइड यूज हुए, यहाँ पे तीन फॉर्मेल्डिहाइड यूज हुए। तो अगर नंबर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में है तो हमारा ये बनेगा, अगर थोड़ा कम है तो ये बन जाएगा, और कम है तो फिर ये बनेंगे। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो जो है वो अप्लाई होगा, तो यहाँ पे रेशियो जो है वो अप्लाई होगा। अब देखो जरा, अगर फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड में फिनॉल की क्वांटिटी ज्यादा है और फॉर्मेल्डिहाइड की क्वांटिटी कम है, मतलब कि हमारा ये ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेगा, और ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो होगा क्या, तो ये जो है फिनॉल हमारे लीनियर वे में जो है वो अटैच होंगे, ठीक है, लीनियर वे में जो है वो अटैच होंगे, तो ये CH2OH है, फिर OH और ये CH2OH है, फिर OH और ये CH2OH है, तो ये तीन हो गए, तो उसको लीनियर वे में जो है वो हमें अटैच करना है। तो यहाँ से H, यहाँ से OH जाएगा, तो ये वाटर निकल जाएगा, तो ये बॉन्ड बन जाएगा, ये OH और ये H से ये बन जाएगा। तो लीनियर वे में जब फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड यूनिट जो है वो क्या होती है, वो अटैच होती है, उसका पॉलीमराइजेशन होता है, तो ये जो पॉलीमराइजेशन बन होगा इसको हम बोलते हैं नोवोलिक, ये नोवोलिक कहलाता है हमारा, इसी को हम बोलते हैं डिसॉल्व, और ये नोवोलिक जो है एक गम के रूप में हम यूज करते हैं। तो जो हमारे वुडन प्लैंक्स होते हैं, जो लकड़ी के तख्ते होते हैं, उनको जोड़ने के लिए ये गम जो है वो हम यूज करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है कि आपको ये कैसे बनाना है। तो देखो सर, ये पॉलीमर कैसे बनेगा, ठीक है, और बैकलाइट का फॉर्मेशन भी कैसे होगा। तो ये जो हमारा फिनॉल है, ये जो हमारा फिनॉल है,
ये जो हमारा फिनॉल है, तो फिनॉल जो है वो किससे अटैच होता है, सी एच टू से अटैच होता है, तो बस सी एच टू से दो फिनॉल को अटैच कर दूं, समझ गए बात को, सी एच टू से फिनॉल को अटैच करना है, तो ये नोवोलैक बन गया। तो इस केस में फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ये फिनॉल होके ये फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो जो है वो वन से ज्यादा है, मतलब फिनॉल एक्सिस में है और ये लिमिट में है, समझ गए बात को, तो ये एक्सिस में है और ये लिमिट में है, इस कारण ये रेशियो वन से ज्यादा चला जाएगा, और वन से ज्यादा होगा तो हमारा लीनियर वे में जो है वो पॉलीमराइजेशन होगा। अब थ्री डायमेंशनल वे में पॉलीमराइजेशन देखो, तो या तो फिनॉल क्वांटिटी कम ले लो और फॉर्मेल्डिहाइड की क्वांटिटी ज्यादा ले लो, तो इस टाइप का ज्यादा बनेगा आपका, ठीक है, तो ये यूनिट जो है इस टाइप की यूनिट आपकी ज्यादा बनेगी, ठीक है, थ्री डायमेंशनल वे में क्या होगी, अटैच होंगी, या फिर नोवोलिक को जो आपकी लीनियर पॉलीमर है उसको फॉर्मेल्डिहाइड में क्या करो, हीट करो, तो भी आपका थ्री डायमेंशनल पॉलीमर बनेगा, मतलब आपने फॉर्मेल्डिहाइड की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दी है। तो अगर फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो जो है वो वन से कम है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड एक्सिस में है और ये लिमिट में है, तो वन से कम हो जाएगा रेशियो, और वो रेशियो वन से कम होगा तो क्या होगा, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड की जो यूनिट है वो थ्री डायमेंशनल वे में पॉलीमराइज होगी। तो देखो जरा, थ्री डायमेंशनल वे में अरेंज करना है तो आपको क्या करना है, तो हम यहाँ फिनॉल के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये OH हो गया, ये OH हो गया, ये फिनॉल 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 हो गया, क्योंकि बैकलाइट बनना है, क्योंकि बैकलाइट बनना है तो फिनॉल की ऑर्थो पैरा पोजीशन को सी एच टू ग्रुप से कनेक्ट कर दो, तो देखो इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन ये है, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन को सी एच टू से कनेक्ट कर दो, ये ऑर्थो पोजीशन हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसकी ऑर्थो पोजीशन तो ये है, ठीक है, तो कनेक्ट कर देते हैं सी एच टू से, अब पैरा पोजीशन सी एच टू से कनेक्ट कर दो, तो ये सी एच टू, ये सी एच टू, ये सी एच टू, ये सी एच टू, अरे वो समझ में, तो बस ऑर्थो पोजीशन जो है वो आगे सी एच टू से कनेक्ट होंगी, ठीक है, ये सी एच टू, ये आगे ऐसा बॉन्ड बनता जाएगा, तो ये जो हमारा है ये हमारा बन गया बैकेलाइट, ठीक है, ये क्या बन गया हमारा बैकेलाइट बन गया, ये हमारा 3D पॉलीमर है, थ्री डायमेंशनल पॉलीमर है, ठीक है, जिसको कि हम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं। इसका यूज जो है वो कहां किया जाता है, तो इसका मेजर यूज जो है वो इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में किया जाता है, जो हमारे प्लग्स होते हैं, जो हमारे स्विचेस होते हैं, वो किससे बने होते हैं, वो बैकेलाइट से बने होते हैं, जो हमारा ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता है वो भी किससे बना होता है, वो बैकेलाइट से बना होता है, जो हमारे कॉम होते हैं वो भी किससे बनी होती है, वो बैकेलाइट से बनी होती है, तो बैकेलाइट का मेजर यूज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कर, उसको शेयर कर, अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब कर, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आज हम मेलेमाइन की बात करेंगे कि हमारा मेलेमाइन जो है वो क्या कहलाता है, तो मेलेमाइन एक हमारा पॉलीमर है जो कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहलाता है, जिसको कि हम थ्री डायमेंशनल पॉलीमर भी बोलते हैं और जिसको कि हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी बोलते हैं, तो ये हमारा थ्री डायमेंशनल पॉलीमर का एग्जाम्पल है, ये हमारा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो अब ये बनता कैसे है, तो ये हमारा बनता है मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड मोनोमर से बनता है। तो देखो जरा, तो हमारा मेलेमाइन मोनोमर क्या कहलाता है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे N, फिर C, फिर N और फिर C, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगा दो, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और कार्बन पे NH2 ग्रुप अटैच कर दो,
ठीक है, तीन कार्बन है तो तीन एनएच टू ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएंगे। अब इसको हम नंबर दे देते हैं, ये वन नंबर मिलेगा, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव और इसको सिक्स। तो देखो सर, टू फोर और सिक्स पे अमीनो ग्रुप अटैच है, तो लिखा जाएगा टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स ट्राई अमीनो। वन थ्री और फाइव पे नाइट्रोजन है तो ये अजाइन कहलाएगा, तो वन थ्री फाइव ट्राई अजाइन, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मेलेमाइन बोलते हैं। ये हमारा मेलेमाइन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। क्या होता है, नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है वो इसके साथ क्या करती है, बॉन्ड बनाती है, और एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये ऑक्सीजन पे लग जाएगा, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बनेगा। ये जो हमारा मेलेमाइन है इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, तो यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन और NH2, 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 हमने कार्बन नहीं लिखा, मतलब यहां पे कार्बन है, ठीक है, और ये अल्टरनेट में डबल बॉन्ड को हमने ऐसे गोला बना दिया, राइट। तो ऐसा भी बना सकते हो, इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं। तो देखो जरा, नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, यहाँ पर हमने गोला बना दिया, ठीक है, यहाँ पे NH, एक हाइड्रोजन हटेगा तो इस ऑक्सीजन पे लगेगा, तो CH2OH ग्रुप जो है जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है ना, ये कार्बन जो है CH2 बनेगा और ये ऑक्सीजन पे H आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे NH2 है, तो ये हमारा बनेगा इंटरमीडिएट, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट जो है वो क्या होगा, पॉलीमराइज होगा, तो ये पॉलीमराइज होगा, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन पे होगा क्या कि जो अमीनो ग्रुप है वहां से हाइड्रोजन हटा देना है और यहां से OH हट जाएगा, तो ये पॉलीमराइज हो जाएगा, तो N, फिर N, बीच में गोला लगा दो, यहाँ पे NH, CH2, OH हटा दिया, यहाँ पे NH2 था तो एक H हटा देना है, यहाँ पे NH2 था तो एक H हटा दोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा पॉलीमर और ये हमारा मेलेमाइन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मेलेमाइन है। तो ये मेलेमाइन हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर होता है जो कि अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में यूज किया जाता है। तो यहां पे ये एन नंबर में होगा और ये भी एन नंबर में होगा, ठीक है। तो मेलेमाइन जो है एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर है जो कि अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक कर, इसको शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हमारा 15.2.3 है, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर्स। तो हम यहाँ पे होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर्स को डिफाइन करेंगे। तो हमारा होमोपॉलीमर जो है वो क्या कहलाता है, तो देखो जरा, होमोपॉलीमर मतलब ऐसा पॉलीमर जो केवल और केवल एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के मोनोमर से कंसिस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। तो इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो गया एथीन। अब ये जो हमारा मोनोमर है ये क्या होगा, ये पॉलीमराइज होगा, तो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हाफ बॉन्ड, ये तो यहां पे N मॉलिक्यूल लेंगे आप मोनोमर के तो ये पॉलीमराइज हो जाता है। तो ये हमारा एथीन था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉलीथीन, ठीक है। अब PVC देख लो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH
सीएल, ये हमारा विनाइल क्लोराइड कहलाता है। तो ये विनाइल क्लोराइड है, ये पॉलीमराइज होगा तो क्या बनाएगा, ये सी एच टू, ये सी एच और ये सी एल, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो जब सिंगल मोनोमर कंसिस्ट होता है तो हमारा होमोपॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे के सारे जो है वो होमोपॉलीमर के एग्जांपल हैं। अब इसके बाद आता है हमारा कोपॉलीमर, क्या कहलाता है। तो कोपॉलीमर मतलब होता है कि टू डिफरेंट मोनोमर से कंसिस्ट हुआ पॉलीमर। ठीक है, तो ऐसा पॉलीमर जो दो या दो से ज्यादा मोनोमर से कंसिस्ट होता है वो हमारा कोपॉलीमर कहलाता है। राइट, तो अब देखते हैं कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर में आप ब्यूना एन, ठीक है, ब्यूना एस, नाइलॉन 6,6, ठीक है, और टेरिलीन, बेकेलाइट, ये सब आपके जो है वो कोपॉलीमर में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपके मोनोमर है वो टू डिफरेंट मोनोमर हैं। तो ब्यूना एन का देख लो जरा, ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच टू, तो ये होता है हमारा ब्यूटा 1,3-diene। ठीक है, एक मोनोमर हमारा ये है, दूसरा मोनोमर ब्यूना एन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एन मतलब नाइट्राइल, तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एन, ये हमारा एक्रिलोनाइट्राइल है। ठीक है, और ये पॉलीमराइज होगा तो क्या बनेगा। तो देखो जरा, ये हम पहले बता चुके हैं, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये टूटेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये ऐसे अरेंज होगा, सी एच टू ये वाला, फिर सी एच सिंगल डबल बॉन्ड हो जाएगा सी, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड हो गया सी एच, फिर सी एच टू, और अब ये जोड़ दो सी एच टू सी एच और ये सी एन। ठीक है, तो ये एन जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, ये ब्यूना एन हो गया। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो सोडियम के साथ हीट करने पे होती है। तो ब्यूना एन का मतलब हो गया, ब्यू मतलब होता है ब्यूटा 1,3-diene, एन मतलब हो गया सोडियम, और एन मतलब हो गया नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल। ठीक है, इसके बाद ब्यूना एस लेना है आपको, तो बस ब्यूना एस में ब्यू यू का मतलब होता है ये ब्यूटा 1,3-diene, एस मतलब होता है स्टाइरीन, तो स्टाइरीन ले लो, तो ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू स्टाइरीन हो गया। एन ए मतलब सोडियम से रिएक्शन होनी है, सोडियम के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, ये बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये बॉन्ड बना लेगा, तो ये सी एच, ये सी एच टू, और यहाँ पे बेंजीन की रिंग लगा दो। ठीक है, तो ये एन हो गया, तो ये क्या हो गया, ब्यूना एस हो गया। ठीक है, तो बी यू मतलब ब्यूटा 1,3-diene, Na मतलब सोडियम और S मतलब स्टाइरीन, तो ये हमारा स्टाइरीन है। तो बस नाइलॉन 6,6, टेरिलीन, बेकेलाइट, ये सब क्या है, हमारे कोपॉलीमर है। फिर हमारा 15.2.4 में आएगा रबर। तो रबर में हमें एक्सप्लेन करना है नेचुरल रबर को और सिंथेटिक रबर को। तो नेचुरल रबर जो है वो हमारा आइसोप्रीन कहलाता है। अब चूंकि नेचुरल रबर कैसी होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो नेचुरल रबर को हार्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बल्कनाइजेशन ऑफ रबर करते हैं। तो हम यहाँ पे नेचुरल रबर को एक्सप्लेन करेंगे एंड बल्कनाइजेशन रबर को एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारी सिंथेटिक रबर होती है, जो आर्टिफिशियल रबर होती है, उसके एग्जांपल है नियोप्रीन,
ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। तो हम यहाँ पे न्यूप्रीन, ब्यूना एन और ब्यूना एस को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो नेचुरल रबर जो है इसका मोनोमर जो है वो होता है आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड C, इधर पे CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2, 2-methyl-1,3-butadiene, तो ये होता है 2-methyl-1,3-butadiene, ठीक है, या 2-methyl-buta-1,3-diene ऐसा बोल सकते हो, ऐसा लिख सकते हो 2-methyl-buta-1,3-diene, ठीक है, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हो। अब ये मोनोमर जो है वो पॉलीमराइज होता है तो पॉली आइसोप्रीन बनाता है, जिसको कि हम नेचुरल रबर बोलते हैं। तो देखो जरा सी एच टू डबल बॉन्ड सी, इधर पे ये सी एच थ्री है, ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये एन नंबर में है, पॉलीमराइज होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड टूटेगा एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखो जरा ये ऐसा होगा सी एच टू, ये हाफ बॉन्ड, ये सी, इधर ये सी एच थ्री, ये डबल बॉन्ड, ये सी एच टू, ये एन, तो ये हो गया हमारा पॉली आइसो, ठीक है। अब ये तो हमारा पॉली आइसोप्रीन हो गया। तो अब देखो जरा, अब हम इसको थोड़ा सा स्केच कर देते हैं। अब इसके दो मोल जो है, दो मॉलिक्यूल जो है, इनको कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो जरा, एक मॉलिक्यूल तो हमारा ये है सी एच टू, ये हाफ बॉन्ड बना लो, ये सिंगल बॉन्ड, ये सी, और ये सी एच थ्री, ये डबल बॉन्ड सी एच, ये सी एच टू, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन धारा है। दूसरा मॉलिक्यूल लिख देते हैं सी एच टू सी सी एच थ्री सी एच सी एच टू, और इधर डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो दो मॉलिक्यूल जो है वो है ज्वाइन हो गए। तो देखो जरा, इसको आप नंबर दोगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, क्योंकि मिथाइल ग्रुप यहीं से पास में पड़ रहा है, ठीक है, और इसको दोगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो एक मॉलिक्यूल का फोर्थ नंबर का कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल का पहले नंबर का कार्बन जो है वो ऐड हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलते हो, 1,4-addition, क्या बोलते हो, 1,4-addition बोलते हो। क्यों बोलते हो, क्योंकि एक जो मोनोमर है उसका फोर्थ नंबर का कार्बन और दूसरा मोनोमर उसका वन नंबर का कार्बन जो है वो कनेक्ट हो रहा है, इस कारण इसको 1,4-addition बोलते हैं। और ये जो एडिशन होता है ये सिस फॉर्म में होता है, ट्रांस नहीं होता, सिस फॉर्म होता है। अब सिस फॉर्म का मतलब है कि दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो एक साइड होंगे, तो दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे हैं, एक साइड है, तो ये हमारा सिस फॉर्म में आइसोमराइज होगा, तो ये एन कर दिया यहां पे, तो ये क्या हो गया, ये हमारा पॉली आइसोप्रीन हो गया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर बोलते हैं। अब चूंकि यहां पर ये सिस आइसोमर है, इसका मतलब है कि यहां पे बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, इसका अपना डाइपोल मूवमेंट होगा, डाइपोल मूवमेंट के कारण इसमें पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी होगी तो फिर ये जो चेन है नेचुरल पॉलीमर की, ये एक चेन फिर दूसरी चेन, तो दोनों चेन आपस में क्या होंगी, पास पास नहीं आ पाएंगे पोलैरिटी के कारण, तो पास पास नहीं आ पाएंगे, इस कारण ये दूर दूर रहेंगे। अब चूंकि ये जो चेन है वो कैसी होती है, इसको अगर आप ऐसे बनाओ, ये देखो ये सी एच टू है, फिर ये सी, इधर से ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया अपन ने, ठीक है, फिर ये सी, फिर ये सी, फिर ये सी, फिर ये सी, इधर पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, सिस फॉर्म में तो मिथाइल ग्रुप ऐसे लगेगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, फिर ये सी, फिर ये, और फिर ये, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये स्ट्रेच हो सकती है। अब जब चेन चेन क्या होगी, स्ट्रेच होगी तो ये रबर लाइक हो जाती है, ठीक
ठीक ना, तो ये हमारा नेचुरल रबर जो है कहलाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15.15 है, डिस्कस द मेन पर्पस ऑफ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो रबर का वल्केनाइजेशन क्यों किया जाता है, तो देखो जरा, ये जो हमारा नेचुरल रबर है, ठीक है, ये नेचुरल रबर है, और ये नेचुरल रबर जो है वो आइसोप्रीन मोनोमर से बना होता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये पॉली आइसोप्रीन कहलाएगा। तो पॉली आइसोप्रीन ही हमारी नेचुरल रबर जो है वो कहलाती है। जब इस नेचुरल रबर को हम 3-5% सल्फर में हम हीट करते हैं, तो क्या होता है, ये जो आपकी जो पॉलीमर है, पॉलीमर चेन है, तो ये पॉलीमर चेन चूंकि ये कैसा होता है, ये सिस फॉर्म में अरेंज होती है, ठीक है, तो ये सिस पॉलीमराइजेशन होता है यहां पे, तो सिस पॉलीमराइजेशन के कारण ये चेन जो है वो पास पास नहीं आ पाती, ठीक है, इस कारण इनकी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, 3-5% सल्फर में हीट करते हैं, तो यहां पे पॉलीसल्फाइड बॉन्ड जो है, एस एस बॉन्डिंग जो है, वो इन चेन को क्या कर देती है, कनेक्ट कर देती है। तो अब देखो जरा, ये जो हमारी चेन है, अब यहां पे सल्फर सल्फर की बॉन्डिंग, ये सल्फर सल्फर की बॉन्डिंग, ये आपस में क्या कर देगी, इन दोनों चेन को क्या कर देती है, कनेक्ट कर देती है। तो सल्फर सल्फर की बॉन्डिंग जो है वो चेन को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो इस कारण ये जो रबर बनेगी, इसको हम वल्केनाइज्ड रबर बोलते हैं। तो ये तो हमारी वल्केनाइज्ड रबर हो गई, ठीक है। तो वल्केनाइजेशन के कारण ये जो सल्फर सल्फर की बॉन्डिंग है, इसको हम पॉलीसल्फाइड बॉन्डिंग बोलते हैं। तो इस पॉलीसल्फाइड बॉन्डिंग के कारण इस रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। सेकेंड, इसका जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, मतलब अब ये केमिकल से रिएक्ट नहीं करता, ना ही ये एयर से रिएक्ट करता है। तीसरा, ये हमारे टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी बन जाती है, ठीक है। तो नेचुरल रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन वल्केनाइज्ड रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये पॉलीसल्फाइड बॉन्डिंग जो है वो क्या करती है, वो चेन को क्या कर देती है, वो कनेक्ट कर देती है। तो नेचुरल रबर ये हमारा बायोपॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है, लेकिन वल्केनाइज्ड रबर अब नेचुरल पॉलीमर नहीं रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर सल्फर की बॉन्डिंग जो है, तो इस बॉन्डिंग के बनने के कारण ये रबर हमारी कैसी होगी, आर्टिफिशियल। फिर फोर्थ है हमारा न्यूप्री, ये हमारी सिंथेटिक रबर होती है, ठीक है, और इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है क्लोरोप्रीन। तो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 ये डबल बॉन्ड रहता है। तो ये जो मोनोमर है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्रीन। जब ये क्या होता है, पॉलीमराइज होता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा एक इलेक्ट्रॉन धर एक इलेक्ट्रॉन धर, ये बॉन्ड टूटेगा एक इलेक्ट्रॉन धर एक इलेक्ट्रॉन धर, तो ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बनता है CH2, ये C और ये CL, CH, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लो, और ये CH2 हाफ बॉन्ड है, तो ये N आपने ये लिया, तो N ये पॉलीमराइज़ ये बनाएगा, तो ये हो गया हमारा पॉलीक्लोरोप्रीन। इसी को हम न्यूप्रीन बोलते हैं, ये हमारा न्यूप्रीन कहलाता है, ठीक। तो सबसे पहला ब्यूना एस, तो ब्यूना एस का मतलब होता है कि ये हमारे दो मोनोमर से बना होता है। तो यहाँ पे बीयू का मतलब होता है ब्यूटा 1,3-diene, और एनए मतलब सोडियम, एस मतलब स्टाइलिन। तो देखो जरा, बीयू मतलब होता है ब्यूटा 1,3-diene, एनए का मतलब होता है सोडियम, तो ये ब्यूना हो गया, और एस मतलब हो गया स्टाइलिन। तो ब्यूटा 1,3-diene ये तो ये होगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो हमारा ब्यूटा 1,3-diene हो गया, और स्टाइलिन क्या हो गया, ये बेंजीन की रिंग है, और CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा स्टाइलिन हो गया। तो ये दो मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, ब्यूना एस बनाते हैं।
तो क्या होगा, ये देखो कैसे अरेंज होते हैं, बॉन्ड टूटेगा एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बॉन्ड टूटेगा एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, अब ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड टूटेगा एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू, अब इससे ये जोड़ दो तो सी एच और ये सी एच टू, ये हाफ बॉन्ड और ये यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ी है, ठीक है। तो बस ये एन, तो मतलब एन स्टाइरीन ले लो और एन ब्यूटा बन थ्री डाइन ले लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ब्यूना एस बन जाएगा। इसको हम दोनों को हीट करते हैं सोडियम में तो हमारा ब्यूना एस बन जाता है, ठीक है। अब हमें ब्यूना एन बताना है, मतलब हमारा सेकेंड नंबर है ब्यूना एन। तो ब्यू मतलब ब्यूटा बन थ्री डाइन ये तो है, एन मतलब सोडियम, और एन का मतलब होता है एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। तो यहां पे एक्रिलोनाइट्राइल जो है वो क्या है, वन थ्री डाइन तो पता है आपको, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये ब्यूटा वन थ्री डाइन एक्रिलोनाइट्राइल सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एन, ये हमारा एक्रिलोनाइट्राइल है, ठीक है। तो एन मोल इसके ले लो और एन मोल इसके ले लो, दोनों को हीट करोगे किसमें, सोडियम में, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड टूटेगा एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो अब देखो जरा कैसे अरेंज होंगे, ये सी एच टू, ठीक है, ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच, अब ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा ना, और फिर सी एच टू ये बॉन्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन है, फिर ये सी एच टू ये इलेक्ट्रॉन है आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये सी एच ये हाफ बॉन्ड और ये सी एन, तो ये एन ले लो, तो ये क्या हो गया हमारा ब्यूना एन। फिर हमारा 15.4 है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पहला एग्जाम्पल है पी एच बी बी और सेकेंड एग्जाम्पल है नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स। तो चलिए अब हम इनकी वन बाय वन स्टडी करते हैं। फिर जो हमारा 15.4 है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल है पहला है पी एच बी बी और सेकेंड है नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स। तो हम यहाँ पे पी एच बी बी एंड नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। इस पी का मतलब होता है पॉली, ये हाइड्रोक्सी, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी होता है ब्यूटाइलेट, ठीक है। फिर CO बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट, ठीक है। अब देखो जरा, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेट और CO बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट ये क्या कहलाता है, तो देखो जरा यहां पे थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये दोनों आपस में पॉलीमराइज होते हैं, तो ये हमारा पी एच बी बी का निर्माण होता है। तो थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड मतलब चार कार्बन का एसिड है, वन टू थ्री फोर, ब्यूटेनोइक एसिड मतलब ये सी ओ एच कर लो, ठीक है, वन टू थ्री पे ओ एच कर दो तो बस बैलेंस ही पूरी कर दो, तो ये सी एच थ्री बनेगा, ये सी एच बनेगा, ये सी एच टू बनेगा, ये थ्री हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड मतलब कि वन टू थ्री फोर फाइव, तो सी ओ ओ एच है, ठीक है। और थ्री पे हाइड्रोक्सी मतलब कि वन टू थ्री मतलब ओ एच यहाँ लगाओ, तो ये सी एच टू हो जाएगा, ये सी एच हो जाएगा, ये सी एच टू हो जाएगा और ये सी एच थ्री हो जाएगा, ठीक है, ज्वाइंट कर दो भाई। तो देखो जरा, एल्कोहल से एच, कार्बोक्सिलिक एसिड से ओ एच, एल्कोहल से एच और इधर से ओ एच गायब कर दो, ठीक है। तो देखो जरा, ये ओ ये बॉन्ड बनाएगा क्योंकि सी एच से कनेक्ट है और इधर पे ये सी एच थ्री लगा दो, फिर ये सी एच टू है, फिर ये सी ओ बनेगा, ठीक है, ओ एच गायब हो गया, फिर ये इससे क्या जुड़ेगा, ये ओ जुड़ेगा, ओ
फिर ये सी एच है इधर पे, सी एच टू सी एच थ्री लगा दो, फिर ये सी एच टू और ये सी ओ, ठीक है, ये एन कर लो, ये एन और ये एन आपने लिया तो ये पॉलीमराइज हो गया, तो ये बनता है हमारा पी एच बी वी, ये हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, हमारा पी एच बी वी पॉलीमर जो है वो बन गया। हेलो एवरीवन, आज हम नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6 पॉलीमर की बात करेंगे कि क्या होता है। तो नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6 जो है ये हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, मतलब कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ठीक है। एक तो खास बात इसकी ये हो गई। अब ये बना कैसे होगा, तो देखो जरा, ये नाइलॉन 2 और ये नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 का मतलब यहाँ पे क्या है कि दो कार्बन का अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ पे 6 कार्बन का अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक। तो यहाँ पे दो कार्बन का बना देते हैं, तो देखो जरा 1 एंड 2, तो ये तो सी ओ ओ एच बनेगा और यहाँ पे एन एच टू लगा दो, ठीक है। अब ये कार्बन की बैलेंसी फुलफिल कर दो तो ये क्या बन जाएगा, सी एच टू बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा ग्लाइसिन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, अगर हम इसको नंबरिंग करें तो ये 1 एंड 2, 2 अमीनो इथेनोइक एसिड, तो ये 2 अमीनो इथेनोइक एसिड, या इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, ये हमारा अल्फा कार्बन होगा तो इसको बोल सकते हैं अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, ये हमारा कॉमन नेम है, ये आईपीसी नेम है। फिर 6 कार्बन का अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो 6 कार्बन बनाओ 3 4 5 6, तो ये तो सी ओ एच बनेगा और यहाँ पे एन एच टू कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, सी एच टू, ये सी एच टू, ये सी एच टू, ये सी एच टू, ये सी एच टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाइलॉन 2 और ये हो गया नाइलॉन 6, इसको हम क्या बोलते हैं, तो देखो अगर आपने नंबरिंग की तो ये ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 अमीनो हेक्सिनोइक एसिड, तो 6 अमीनो हेक्सिनोइक एसिड, या ये फंक्शन ग्रुप है तो इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा होगा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा और ये ओमेगा, तो ये होगा हमारा ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा, मतलब NH2 ग्रुप जहां होगा वहां से H निकाल दो और COH ग्रुप होगा जहां से वहां से OH निकाल दो, तो यहां से हम H निकाल देंगे, यहां से OH निकाल देंगे, तो देखो जो हमारा बचेगा ये NH बचेगा, ठीक है, फिर ये CH2 और ये CO, फिर ये NH होगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ से वाटर निकलेगा, ठीक है, H यहाँ से OH यहाँ से वाटर निकलेगा, ठीक, फिर CH2, कितना लिखना है, 5 लिखना है, 1 2 3 4 5, और फिर ये C डबल बॉन्ड और ये छोड़ दिया, OH निकाल दिया तो CO बचा, तो सी डबल बॉन्ड को लिख लो या सी डबल कुछ भी लिख लो, तो बस क्या होगा हमारा, ये पॉलीमर बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा नायलॉन 2 नायलॉन 6, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर, इसको शेयर कर, अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब कर। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।